नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भोपाल में सुप्रीम पावर न्यूज द्वारा शील्ड मेडल देकर बच्चों और शिक्षकों का किया सम्मान। सुप्रीम पावर न्यूज द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, जिसमें शिक्षक को भी सम्मानित किया गया। स्कूल के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया जिनके 80 से 85% अंक प्राप्त किए। ऐसे बच्चों का स्वागत अभिनंदन किया गया एवं सुप्रीम पावर न्यूज हर साल ऐसे ही बच्चों का स्वागत अभिनंदन करते चले आ रहा है। इसी संबंध में 26 जनवरी को सुप्रीम पावर न्यूज परिवार की यह पहल जारी रही, जिसका सभी उपस्थित समूह ने स्वागत किया। साथ ही सभी लोग सुप्रीम पावर न्यूज परिवार के सदस्य के तौर पर जुड़े। हमारे भोपाल प्रदेश ब्यूरो राज नागेश ने इस कार्यक्रम में विशेष भूमिका निभाकर कार्यक्रम को सफल बनाया। आदरणीय, अपना परिचय बताएं। गिरीश दहायक। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आप कोई संदेश देना चाहते बच्चों को? हमारा संदेश प्रदेश के सभी बच्चों को है कि देश में एकता अखंडता बनी रहे और बच्चे एक अच्छे अग्रसर आगे की ओर बढ़े। यही संदेश हमारा और पूरे देश सभी वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की स्कूल की तरफ से बच्चों को सम्मानित भी किया जा रहा है। आज हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष बच्चों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सुप्रीम पावर न्यूज की ओर से बच्चों को जो अच्छे नंबर मार्क्स पाए हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है और आज भी बच्चों को पुरस्कार दिया जा रहा है। एक बार पुनः अपना परिचय बताएं। गिरीश कुमार दहायर। थैंक यू। आदरणीय, 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आप कोई संदेश देना चाहते हैं बच्चों को? हाँ, बच्चों को हमारा ये संदेश है कि देश में एकता अखंडता बनी रहे और पूरे देश को उन्नति के रास्ते पे ले जाने के लिए वो अपना जितना भी उनका सर्वस्व है वो निछार करना चाहिए। वही सीख हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने दी है और देश की एकता अखंडता बढ़ाने के लिए और उसको समृद्ध करने के लिए आपको एकजुट रहकर देश की उन्नति में सहायक बने। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सुप्रीम पावर न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल सुप्रीम पावर न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।